नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पंचम प्यारे ऑक्टोपैड में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अच्छा खासा पैड बजा लेते हैं, प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या होती है कि उनका एक हाथ तो फ्री होता है लेकिन दूसरा हाथ, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट, बजाते समय अपने आप रुकने लगता है। पैड पर हाथ को ऊपर नीचे बॉक्स में हाथ ले जाने में परेशानी होती है। तो अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस समस्या को हल करने का रामबाण तरीका बताया है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस का रियाज कर लेते हैं तो आप भी बेहतर तरीके से पैड को बजा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप मुझे 8877663033 इस नंबर पर कॉल कर ऑक्टोपैड की समस्या को हल करा सकते हैं बेझिझक, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं एनी टाइम आपके सेवा में हाजिर रहता हूँ। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसका रियाज कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से पैड बजा लीजिएगा, आपका हाथ नहीं फंसेगा। सिंपली आपको करना क्या है, एक ड्रम का पैच बना लेना है अपने ऑक्टोपैड में, जैसे मैंने बनाकर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए बैंक ए और बैंक बी दोनों में मैंने ड्रम का पैच बनाया है, लेकिन सभी का इंस्ट्रूमेंट जो है इधर उधर है। आपको यही ध्यान देना है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और बैंक बी, अब आपको करना है एक कोई बैंक ले लेना है और रियाज करना है। मैं आपको थोड़ा सा बजाकर दिखा दे रहा हूँ कि आपको रियाज करना क्या है, तो देख लीजिए। आपको यह चीज बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है कि आपको रियाज क्या करना है, किस प्रकार से रियाज करना है, वो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी आप इसको देख लिए कि मैं कैसे इसको प्ले कर रहा हूँ। मेरा दाहिना जो हाथ है ये वाला है, ऐसे चल रहा है, और ये ऐसे चल रहा है बायां। और इसी को मैं देख लीजिए अब पलट देता हूँ। अब देखिए, मेरा बायां जो हाथ है वो ऐसे चलेगा और दाहिना ऐसे चलेगा, देख लीजिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप एक ही पैटर्न को दो तरीका से रियाज अगर कर लीजिएगा, केवल इस ड्रम पैच को, और कोई दूसरा पैच आपको रियाज नहीं करना है, केवल इस ड्रम पैच को अगर आप दोनों हाथों से, यानी दो तरीका से, एक आप दाहिना में बेस रखकर और यहाँ पर और ये, और दूसरा बायां में बेस रखकर और ये, अगर रियाज कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छी तरीका से पैड को
बजा लीजिएगा। अब देखिए ये जो है, अब मैं इसको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। मैं अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लूँगा, देखिए। और सेम इसी को अब मैं दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लूँगा, देख लीजिए। तो ये एक रियाज करने का तरीका है। आपका हाथ जो है, दोनों हाथ बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आप कोई भी पैच आसानी से बजा सकते हैं। लोगों को परेशानी होती है इसलिए कि दोनों हाथ फ्री नहीं होता है, एक चलता है तो एक रुक जाता है, तो इसलिए आप इसका रियाज कीजिए तो आपका दोनों हाथ फ्री हो जाएगा। इसमें और भी कई पैटर्न है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं दोनों हाथों से बजा सकता हूँ बहुत ही आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देख लीजिए। अब चलिए मैं दूसरा चेंज करता हूँ। पहले मैं यहाँ से बेस का यूज करता था और उसके बाद मैं यहाँ बेस का यूज करता हूँ, यानी मेरा दोनों हाथ चल रहा है सही ढंग से। इस तरह आप भी रियाज कर सकते हैं और आपका हाथ फ्री हो जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, आप उसको रियाज कर सकते हैं दोनों हाथ से, एक बार बेस बाएं में रखकर और एक बार बेस दाहिने में रखकर, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देख लीजिए, मैंने बेस यहाँ रखा था पहले, अब बेस मेरा यहाँ हो गया और ये आपका परकर्शन हो गया, तो इसको देख लीजिए। इस तरह आप भी रियाज कर सकते हैं, और अगर आप इसको रियाज कर लेते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर आपसे कहता हूं कि फिर आप बहुत बेहतरीन तरीक़े से पैड बजाने लगिएगा। तो चलिए मैं आपको स्लो में सभी पैटर्न दिखा दे रहा हूं कि इसको प्ले कैसे करना है। पहला जो है यहां से आपको शुरू करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आपका बेस है इस तरह, तो ये हो गया आपका इस तरह। सेम इसी तरह आपको इस तरह करना है दाहिने हाथ से। अब आपको ऊपर ले जाना है, अब देख लीजिए यहाँ। और ये वाला और इसका उल्टा, इसमें बहुत से पैटर्न है, आपको जितना भी पैटर्न आता है उसको इस तरह ए बैंक में और बी बैंक में पैच बना लीजिए और उसका
रियाज कीजिए, आपका हाथ बिल्कुल फ्री होगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।